कैसे हो सारे सारे मेरे खाने के चाहने वालों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हमारी सारी वीडियोस को प्यार देने के साथ साथ फरीदाबाद सीरीज को लाइक करने के लिए थैंक यू। वैसे तो अभी दो ही वीडियोस या तीन वीडियोस आई हैं जब तक ये वीडियो आएगी। बाकी आज का सीन बताते हैं आपको, एक रोड बन रही है यहाँ पे और हम बीच में खड़े हैं उसके, क्योंकि हमारे पीछे एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट जहाँ पे बहुत ही यूनिक चीजें मिलती है। 1.5 फीट का पराठा मिलता है यहाँ और साथ ही साथ वो ही नहीं 4 फीट का डोसा भी। तो ऐसी कौन सी जगह ढूंढ निकाली है फरीदाबाद में, दिखाते हैं आपको। देखिए यह है आज हम अंबर दा ढाबा पे आए हैं और दिल्ली NCR का सबसे बड़ा पराठा मिलता है ये क्लेम करते हैं। तो उस पराठे का रहस्य जानेंगे, ओनर से बात करेंगे, मेकिंग दिखाएंगे, टेस्ट करके बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि आप सभी को बताए, आज हम आए हैं अंबर दा ढाबा, जो कि कहाँ स्थित है, क्या इसकी टाइमिंग है, सब कुछ पूछेंगे। यहाँ उनके ओनर हैं। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम दीपक। तो दीपक जी हमारे साथ। तो ये किस जगह स्थित है अंबर दा ढाबा? ये फरीदाबाद सेक्टर 8 बाईपास रोड पे है। अभी ये जो रोड है दिल्ली बड़ोदरा बीच आएगा। अच्छा, दिल्ली बड़ोदरा हाईवे बन रहा है यहाँ पे जी। तो सेक्टर 8 बाईपास रोड पे स्थित है ये। तो इसके टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग्स आप मानो सुबह 8 से रात को 11 बजे तक। तो भाई मैं कहूँगा 14-15 घंटे चल रहा है ये, तो कुछ बढ़िया ही बात है उसमें। और बाकी जोमेटो स्विगी पे भी है? जोमेटो स्विगी पे भी है। तो सब चीज़ अवेलेबल है। बाकी यहाँ की स्पेशलिटी है जो सबसे बढ़िया चीज़, वो बताएंगे भैया। तो आप तंदूरी पराठा खा सकते हो, 1.5 फुट वाला। वो आप कह रहे थे दिल्ली NCR में भी सबसे बड़ा है। हाँ, दिल्ली मतलब आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको 1.5 फुट का तंदूरी पराठा नहीं मिलेगा। हाँ, वो तवे वाले मिल जाते हैं, तवे वाले आपको दिल्ली मिल जाएंगे। हाँ, तंदूरी नहीं मिलता ये, उसे तंदूर में पकाना ही बहुत बड़ा मुश्किल बात है। और उसके अलावा 4 फुट का डोसा भी है। 4 फुट का डोसा? तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का आइडिया कैसा है आपको? एक्चुअली हमारी जो शुरुआत है ना, वो मतलब एक रोड साइड बैंक से है। अच्छा, तो हमने बहुत छोटे थे और इतने बड़े तक काम सफर तय किया। वाकई में ही बहुत बड़ी बात है, तो काबिले तारीफ बात है आपके लिए भी। तो उसके अलावा मेन्यू में और तो हमने सब चीज़ें बड़ी दिखी है, मतलब छोटी चीज़ें। सही है, ये भी बहुत अच्छा मोटिव है। तो अब इसके अलावा और कुछ मेन्यू में स्पेशल आइटम? एक और मतलब जो बहुत खुश है, 299 वाली थाली। थाली सब्जियाँ दे दी जाएंगे उसमें, आप रोटियाँ कितनी भी ले सकते हैं। एक फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ दो बच्चे आते हैं। अच्छा, मतलब 3-4 पर्सन्स के लिए अवेलेबल है। बाकी सब कुछ तो आपको बता दिया, आप चल के दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाते हैं इतना बड़ा पराठा और इतना बड़ा डोसा। तो चलिए, तो ये अब हमारा 1.5 फीट का पराठा लगने जा रहा है। ये हमने मिक्स वेज फिलिंग में लगवाया है। तो भैया क्या क्या बना, क्या क्या कैसे बना रहे हो फिलिंग? इसमें आलू प्याज, हाँ जी, मिक्स वेज, हाँ जी, पनीर, हाँ जी, अदरक, अच्छा सब चीजें देंगे, हरी मिर्च। तो चलिए बनाइए। तो अब ये आलू मैश कर लिए? हाँ जी, अब ये मिक्स वेज। कौन कौन सी सब्जी है इसमें? इसमें बीन्स है, गाजर है, धनिया भी है। बढ़िया, एकदम कलरफुल बनेगा ये। तो अब इसमें हरी मिर्च, बढ़िया, अदरक, अच्छा, पनीर भी। और ये कितने, ये तो किलो में बनती होगी फिलिंग? हाँ जी। ये क्या है भैया? ये किचन की। किचन की, अच्छा। ये अजवाइन, धनिया सूखा पिसा हुआ, नमक, सही है। अब सारे मसाले डाल दिए हैं भैया ने, अब मिक्स करेंगे भैया अच्छे से। धनिया आ गया ऊपर से और ये मिक्स कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। 1.5 फीट का पराठा बनाएंगे, सारी फिलिंग जाएगी उस पराठे में। और 1.5 फीट का तंदूरी पराठा, वो बनाना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि तंदूर में लगाना बहुत ही कठिन काम है एक तरीके से। ये फिलिंग रेडी हो रही है। तो यहाँ पे अब पेड़ा लगा रहे हैं भैया, पहले देख सकते हैं आप। तो ये एक पराठे का इतना पेड़ा है ये भैया? तो ये कितना होगा लगभग आटा? एक पाव होगा। एक पाव आटा लग जाता है एक पराठे में? कमाल की बात है। अब फिलिंग भर रहे हैं भैया। तो ये सारी फिलिंग आ चुकी है इसमें और देखिए भैया कैसे लगा रहे हैं, देख सकते हो बढ़िया तरीके से। बंद भी कर दिया, मतलब फिलिंग बाहर भी नहीं आएगी है, क्योंकि अगर बाहर आ गई तो तंदूर में तो वैसे ही गिर जाएगा, तवे पे तो फिर भी बच जाता है। तो ये कला है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ा लगा है इसका। अब इसे बेलोगे भैया? हाँ जी। तो ये भैया ने बेलना शुरू कर दिया, परफेक्ट गोल बेलोगे एकदम, जैसे
ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गोल कर देंगे अगर आपको इसकी शेप थोड़ी सी भी अलग लग रही हो। कितने साल हो गए भैया ये बनाते हुए? 15 साल। भाई तभी इतनी हाथ में बढ़िया कला आई है भैया के। अच्छा धनिया डालेंगे इसके बाद। और ये देखिए कैसा गोल हो चुका है एकदम। ये भैया ने धनिया डाल दिया ऊपर से और फ्रेशनेस आएगी एकदम खाने में। और ये और बेल रहे हैं, अब जब ये तंदूर में लगाते हैं तब दिखाते हैं आपको। भाई इसमें तो आ गया भाई कमाल चाहिए। हल्का सा पानी का हाथ लगा दिया है भैया ने जिससे कि चिपक जाए अच्छे से। भैया ने बिल्कुल एकदम लगा दिया है बढ़िया तरीके से, देख सकते हैं आप पूरी एक दीवार पे फैल चुका है। तो ये तंदूर की चीज का है बट कोयले का है लकड़ी का है? लकड़ी का है। अच्छा लकड़ी वाला है तो स्मोकी फ्लेवर आएगा एकदम, देख सकते हैं आप। अब ये जब निकालते हैं तब दिखाइए। आ चुका है हमारा 1.5 फीट का बड़ा पराठा, वो भी मिक्स वेज, देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। पूरी प्लेट भर लिया है इसने। अब इस पे मक्खन वगैरह लगाओगे? तो मक्खन लगाएंगे और साथ में इसकी जो चीज आएंगी वो भी दिखाते हैं। तो मक्खन आ गया है, देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में मक्खन आ रहा है। और सफेद मक्खन जो आपको बाकी ढाबों की याद दिला देगा, देख सकते हैं आप। अब ये सर्व कर देंगे, अब नेक्स्ट आइटम लगवा। हमारा 4 फीट का डोसा लगने जा रहा है। ये भैया ने बैटर डालना स्टार्ट कर दिया, तो पूरे तवे पे ही बनेगा? पूरे तवे तक ही आ जाएगा। हाँ तो अच्छा ऐसे गोले बना के फिर उन्हें जोड़ोगे बीच से? बढ़िया बढ़िया। तो अब ये पहला गोला लगाया, अब इसके साथ एक और गोला लगाया है भैया ने। ऐसे करके पूरे तवे पे फैला देंगे। 4 फीट का डोसा, सोच सकते हैं कितना बड़ा बनेगा। तो ये देखिए पूरे तवे पे फैल चुका है डोसा इस टाइम। ये बीच की जगह भर रहे हैं भैया, देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा डोसा है। मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डोसा देख रहा हूँ आज। फ्लेम कर दिया, अब देखिए सिकना शुरू हो चुका है। देखिए गोल्डन ब्राउन लग रहा होगा आपको, बढ़िया तरीके से सिक रहा है। अब इस पे बटर डाल दिया है के कार्व कर रहे हैं। तो मसाला अंदर ही लगाते हो या ऊपर से देना पड़ेगा सर? इतना बड़ा हो डोसा कैसे उठेगा? हाँ ये भी सही कह रहे हो, तो बाहर से अलग मिलेगा मसाला। तो एक तरीके से जिसे प्लेन खाना है वो प्लेन खा सकता है। और ये देखिए अब साइड्स हटा रहे हैं भैया। और कितनी बड़ी हो, कितना मतलब गोल्डन ब्राउन कर दिया है भैया ने, देख सकते हैं आप। भैया ने पूरा ही उठा लिया, अब इसे फोल्ड करेंगे। देखिए भाई पेपर थिन एकदम क्रिस्पी डोसा, कितना सही लग रहा है। अब इसे प्लेट में सर्व करेंगे चटनी आलू सांभर सबके साथ। स्वागत है आपकी एंड लार्ज टेस्टिंग में। आज सब कुछ ही एक्स्ट्रा लार्ज है, मेरे साथ साथ डोसा और पराठा भी। तो देख सकते हैं भाई 4 फुट का डोसा है, आलू अलग से मिलते हैं, चटनियां हैं, सांभर है। पर देख सकते हो आप ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। कितना ही नहीं है, साथ में पराठा देखो, पराठा ये देख सकते हो भाई। ये पराठा देख के मैं और ज़्यादा फैसिनेट हो चुका हूँ। बस भाई जल्दी से ट्राई करता हूँ, ठंडी हो के ना चीज़ मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए जल्दी से ट्राई करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने डोसे के साथ। एकदम आप आवाज़ सुन सकते हैं भाई, कितनी ब्रिटल आवाज़ है। और भाई ये तो टुकड़े आ रहे हैं भाई, पेपर थिन डोसा है एकदम क्रिस्प। तो चलिए अब एक अच्छी सी बाइट लेते हैं, साथ में इसमें लगाते हैं आलू और फेवरेट कोकोनट की चटनी। भाई ये सबसे बढ़िया चीज़ है। सो चीयर्स। साथ में क्रिटिक्स बैठे हैं, आपको बीच में आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कोई नहीं कर लेंगे हम चुपचाप हैंडल कर लेंगे इनको। अब भाई एक ऐसे कैसे यार, सांभर और लाल चटनी भाई, सांभर सांभर कर रहे हैं जब से, तो ले ही लेते हैं उसे भी। सो भाई अच्छा थिक सांभर है और मेरे को इसमें वेजिटेबल्स दिख रही हैं देखिए, और दाल भी दिख रही है। सो यहाँ पे चेयर्स। भाई मैं हमेशा कह रहा हूँ सांभर को परफेक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत अच्छा सांभर है, एकदम बढ़िया खटास है, ऑन पॉइंट एकदम इसमें वेजिटेबल्स है और ज़्यादा पतला नहीं है। सांभर कई लोग बहुत पानी कर देते हैं, वो चीज़ नहीं है। रेड चटनी रहेगी ना, वो भी तो ट्राई करनी बनती है। एकदम बढ़िया लाल चटनी है, हल्की सी स्वीट हल्की सी स्पाइसी टैंगी जैसी होनी चाहिए। अब पराठा ट्राई करते हैं, पराठा ट्राई करने के लिए पोजीशन ही चेंज करनी पड़ेगी। तो चलिए तो
लेट्स स्टार्ट दिस जाइगेंटिक पराठा, मिक्स वेज पराठा 1.5 फीट का, और सबसे बड़ी बात तंदूर का। तवे पे हर कोई इतना बड़ा बना लेता है, तंदूर पे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये देखिए मैं आपको इसकी फिलिंग दिखाता हूँ, एक एक जगह पे फिलिंग है, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा पराठा है तो कहीं खाली है कहीं फिलिंग नहीं है। सो अब यह आ गया है तो इसी को ट्राई करते हैं। इन्होंने मक्खन कितनी क्वान्टिटी में दिया है भाई, वो एक अमेजिंग चीज़ है। एक हमारी गलती है बस, मेकिंग में चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, पहले बन गया था हल्का ठंडा हो गया, पर भाई वेजिटेबल्स जो फिलिंग है बहुत टेस्टी है, एकदम करारा पराठा है। वो इतने बड़े पराठे बनाने में एक दिक्कत तो बहुत आती है कि आटे की लेयर मोटी हो जाती है और फिलिंग कम रह जाती है, इसमें फिलिंग ज़्यादा आटा कम है, वो सही बात है। सो भाई मक्खन की कमी नहीं है यहाँ पे, सो इस मक्खन वाली पाइप के साथ आप सभी के साथ चीयर्स। मज़ा आ गया भाई, जाइगेंटिक चीज और साथ में इतनी टेस्टी। ये सब खत्म करते हैं, ये जो पीछे क्रिटिक्स हैं वो भी बोल रहे हैं चल भाई जल्दी, तो ये सब खत्म करके फिर मिलते हैं, लेट्स गो। ये था कुछ हमारा रिव्यू आज अंबर का ढाबा पे, और थैंक यू आपका जो इतनी अच्छे आइडियाज सोचे भैया ने और हमें आज ट्राई करे। बाकी भी फूड इतना टेस्टी था ना, जो मैंने ऐसा डोसे का मसाला सांभर कहीं नहीं खाया कसम से, बेस्ट डोसा फरीदाबाद बोलूंगा मैं तो। एक्चुअली क्या है ना, जो आप और जी का डोसा खाते हो ना, हाँ साउथ इंडियन टच का होता है। हाँ हमारे डोसे में ना साउथ इंडियन टच नहीं है, हमारा नॉर्थ इंडियन टच। जैसे नॉर्थ इंडियन वालों को बिल्कुल एक थिन पेपर डोसा पसंद है, कहीं से भी मोटा ना हो। अभी साउथ इंडिया गया था मैं, वो थोड़ा मोटी लेयर का होगा, वो नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा अलग लगता है, अजीब लगता है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा डोसा था, बहुत ही अच्छा पराठा था, और रेट्स भी बहुत मार्जिनल है, 160 का पराठा था और ये 130 से स्टार्ट हो जाता है 1.5 फीट वाला ही। और डोसे का क्या प्राइस था? 299 का डोसा था भाई। चार बंदे एनफ हैं दोनों चीज़ों के लिए, तो जल्दी से जल्दी आए ट्राई करें। वैसे पराठा डिलीवर करते हो? पराठा डिलीवर हो जाता है, लेकिन सैटरडे शाम को और संडे शाम को पराठा अवेलेबल नहीं होता। सैटरडे शाम और संडे शाम को अवेलेबल नहीं होता पराठा डिलीवरी के लिए, और डोसा डिलीवर नहीं करते हैं। बाकी यही था आज यहाँ का रिव्यू, और ऐसे ही देखते रहे हमारे चैनल व्हाट एम आई डूइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।